A20 है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये हैंगमन लोगो में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आज का जो मार्केट का ट्रेंड जो चल रहा है वो सीपीयू का जो है। तो देखो मैं क्या क्या टूल्स इसमें यूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों देख रहे हो ना, ये तीनों को मैं यूज करता हूँ। ये सायोन का है, ब्लेड है, ये तीनों का सेट आता है, ठीक है। इसमें ये जो है ये ब्लू क्लीन करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। और ये साइड जो ग्लू कटिंग होता है उसके लिए यूज करता हूँ, और ये मैं आइसिंग उठाने के लिए यूज करूँगा। दूसरी बात पॉलिश है, मैं ज़्यादातर ग्लू यूज करता हूँ, जो व्हाइट पेस्ट का ग्लू है ना उसको यूज करता हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसमें क्या होता है, काम बहुत सक्सेस होता है। मतलब आपका सीपीयू में स्क्रैच नहीं होता है, आसपास जितने भी रजिस्टर है वो उठने का चांस नहीं रहता है, इसलिए मैं मैक्सिमम मेकानिका जो ब्लू है इसको यूज करता हूँ, ठीक। चाहे इसमें कोई मुझे हैंड स्किल खराब है कुछ बोलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक लेने से कम मेरा 15 सेट बन जाता है, 10 से 15 सेट एक में बनता है, ठीक है। ये 200 से स्टार्ट होता है, मतलब किसी के पास 350 है, किसी ने 240 लेता है, किसी ने 200 लेता है। तो मैंने एक साथ इसका 20 पीस लिया था तो मुझे 200 करके लिया था, ठीक है। तो अभी पड़ा है, एक पीस पड़ा है और तो नहीं है, खत्म हो गया। तो अभी पहले क्या करेंगे, ये A20 है, इसमें इतना ज़्यादा ग्लू नहीं है आसपास, तो देख लेते हैं आसपास कितना ग्लू है पहले ये देख लेंगे। हाँ थोड़ा बहुत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हीटिंग ज़्यादा नहीं करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सीपीयू भी बचाना है, और दूसरी बात रेडो सीपीयू है, ज़्यादा हीट लगने से ये भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ, कस्टमर का जो जितने भी सामान है वो सही से रिटर्न करूँ, ठीक है। डेट नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा टाइम जाएगा। तो पहले इनको क्या करना है, इनको थोड़ा आपको सेफ रखना है, यूपीएस को आपको पहले क्या करना है, सेफली रख दो ताकि इसमें हीट नहीं लगे। पूरी करता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी काम करो पहले आपका क्या जो कॉम्प्लीमेंट नॉलेज वो सही होगा, सेक्शन नॉलेज सही होगा, उनके बाद आपका हैंड स्किल, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले इसमें थोड़ा डाल देता हूँ ग्लू, डालने के बाद ज़्यादा नहीं 5 मिनट वेट करूँगा, उसके अंदर दूसरा काम कर लूँगा। देखा जाता है, और पीसीबी स्टैंड इंडिया का जितने भी वैरायटी स्टैंड है भाई सब मेरे पास है, ऐसे कि नहीं है। तो आप एक एक मेरा हैंड स्किल का वीडियो देखोगे तो एक एक स्टैंड मिलेगा देखने को। बस ये थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी ग्लू, तो इसको क्या करेंगे 5 मिनट वेट कर लेंगे, चलो। क्योंकि जब हीट दे के इसका ग्लू क्लीन करते हैं ना तो क्या होता है, जो रजिस्टर वगैरह है ये सब ना, मतलब बहुत टाइम पे ये क्या होता है, हवा में आ जाता है, ठीक है। तो मुझे इसको हवा में नहीं लाना है, मुझे क्या करना है, ऐसे ही ग्लू रिमूव हो जाएगा, उनके बाद मैं काम करूँगा, ठीक है। तो देखो जिसका हैंड स्किल इतना काम है तो वो लोग ऐसे करो तो मेरा ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। और ड्यूल लेकर भाई ये कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये जो सेट है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत टफ है, ये कुछ भी नहीं है। आपको जो भी काम करना है, ये पहले ये जो ऊपर है ये ऊपर रैम है, ठीक है, ये ऊपर क्या है, ये रैम है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पहले रैम को रिमूव कर लेते हैं, उनके बाद सीपीयू रिमूव करते हैं, बट जब सैमसंग का काम आता है मैं क्या करता हूँ, एक साथ ये दोनों को उठा लेता हूँ। क्या करना है, एक साथ मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, उठा लेने के बाद रैम को अलग करता हूँ, क्योंकि देखो मेरा रैम खराब हो जाएगा ना तो मैं रैम को रिप्लेस कर पाऊंगा, लेकिन अगर सीपीयू खराब हो जाएगा तो फिर मेरे को स्क्रैप से क्या करना है, इनको उठा के फिर रिमूव करना पड़ेगा, मतलब यूपीएस के साथ ये रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा सीपीयू बच जाएगा तो रैम को तो रिप्लेस कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो हर चीज में एक चीज याद रखो, इधर जितने भी है ना कॉम्प्रोमेंट, ठीक है, मुझे क्या है सीपीयू का अंदर ब्लेड घुसाने का जगह चाहिए,
देखो अभी जितने भी लेटेस्ट है उसमें तो बहुत कम जगह है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड है ना A20, तो इसमें ज़्यादा आपको जगह मिल जाएगा। इधर से है, इतना जगह है, इतना जगह है। तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, रजिस्टर मतलब जब M31 का काम करते हैं हम लोग, तब ये रजिस्टर इसमें जो कैप सीटर रहता है इनको हाइड करने से थोड़ा जगह मिल जाता है, ठीक है। बट इसमें तो बहुत जगह है तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है जगह। तो अभी देखो अभी क्या है, अभी ये देखो आप नोटिस करो, ये ग्लू है ना, ग्लू धीरे धीरे क्या हो रहा है, नरम हो रहा है। तो इसमें तार से एक ब्रश डाल देंगे। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं वो लोग, या कोई रिपेयर लोग तार ब्रश यूज करते हैं, मेरे को ये नहीं करना है, ऐसे कर दे। तो ये है, ये दो साइड है इनका, इनके थोड़ा फिनल लेता हूँ, वो वॉश कर देता हूँ। और वो तार ब्रश मारने से क्या होता है, थोड़ा स्क्रैच हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, विदाउट स्क्रैचेस कम करना है, मतलब मेरा कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरा कोई भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ये जितने भी आता है ना, आपको जस्ट क्या करना है, ये मेन चीज इसका होता है सीपीयू का जो अपर पार्ट रहता है, जिधर रैम आपका बैठेगा, ठीक है, उसको जो अंदर बॉल रहता है और ग्लू रहता है उनको रिमूव करके उसको बनाना पड़ता है। और ओप्पो वीवो एमआई जितने भी है उसमें क्या है, आपको सब इतना टेंशन नहीं होता है, आईफोन में भी इतना टेंशन नहीं होता है, ठीक है, वन प्लस में भी इतना टेंशन नहीं होता है, जितने भी प्रॉब्लम होता है ये सैमसंग में, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हो नहीं कर पाओगे, अरे भाई कुछ भी नहीं है, अगर आप आईसी का काम कर रहे हो ना, ये भी आपके लिए बहुत ईजी है। जस्ट 2-3 बोर्ड ले लो स्क्रैप, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आप फाइनली कोई भी बोर्ड पे करो, मेरे ख्याल मानो तो आपका 100% आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, आप 100% क्या सक्सेस हो जाओगे। देखो ये ग्रुप भी जितने भी है ये क्या हो गया, अब नरम हो गया, नरम हो चुका है, ठीक है। तो और भी थोड़ा देर मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा देर मैं वेट कर लेता हूँ, उनके बाद काम करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितने भी ग्लू है ना, आप सही से देखो तो पता चल जाएगा, जितने भी ग्लू है वो सब क्या है, नरम हो चुका है, ठीक है। तो अभी मेरा ब्लेड ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे ही चलो, कोई हीट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही मेरा ग्लू क्या होगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरा ऐसे ही क्लीन हो रहा है अभी, मतलब कोई स्क्रैचेस भी नहीं आएगा और ग्लू भी क्लीन हो जाएगा। इसमें तो ज्यादा ग्लू नहीं है, बट जब एम सीरीज का काम करोगे ना उसमें थोड़ा ग्लू रहता है, जैसे A51 है उसमें भी ग्लू ज़्यादा है, A41 है उसमें भी ग्लू ज़्यादा है, M31 भी है उसमें भी ग्लू ज़्यादा है, ठीक है, A50 है उसमें भी थोड़ा ग्लू है, बट A20 में इतना ग्लू नहीं है, तो इतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ठीक है। तो जितने भी ग्लूस है देखो जो आसपास है काटने का, मैंने क्लीन कर दिया। तो अभी क्या करना है, थोड़ा ब्रश से इसको साफ कर देंगे, ठीक है। वो जो थिनर यूज करता हूँ, वो एशियन पेंट का जो थिनर है, मैं उसी को यूज करता हूँ। भाई एक बात है, मैंने कृष्णा सिंह सर से सीखा हूँ, जितने भी आप टूल्स यूज करोगे अच्छे वाला, तो वो टूल्स आपका क्या होगा, काम आ जाएगा, बहुत टूल्स आप सही यूज करो। और जो PPD है ना, इसमें आप रिवॉल्विंग टाइम पे जो PPD यूज करोगे वो भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा बाद में भी, फिर 15-20 दिन के बाद रिटर्न आ जाएगा। और आप इस तरह काम करोगे ना, आपका CPU भी बहुत सेफ होगा, सेफ वर्क भी आपका बहुत सेफ होगा, ठीक है। तो जितने भी ग्लू है मैंने क्या कर दिया, इनको क्लीन कर दिया, मतलब मेरा CPU फुल सेफ है, और आसपास जो कंपोनेंट है वो भी सेफ है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से जितने भी ग्लूज है वो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेगा, भाई ग्लू में क्यों पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ग्लू में क्यों पैसे इन्वेस्ट करना है, आप हैंड से कर दोगे, ठीक है, थोड़ा हीटिंग से कर दोगे, ठीक है, बहुत सारे आपका ये ऐसे कमेंट आ जाता है मुझे, और शायद वो लोग करेंगे भी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको क्लीन कर दो थोड़ा सा, उनके बाद यूज करता हूँ जो ब्लोअर, ठीक है, उसमें हीट रखेंगे 260,
और एयर भी रखेंगे 60, ठीक है। और आपको जो हीट करना है ना भाई पूरा, आपको जो हीट करना है, आपको क्या करना है, हीट एक ही जगह जो सीपीयू है सीपीयू के ऊपर ही हीट करो, आसपास मुझे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आसपास का तो कंप्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए, उधर हीट लगाने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करो, 90 डिग्री एंगल लो, 90 डिग्री एंगल से इसको थोड़ा हीट करो। ये बहुत पुराना सेट है, इसका जो ग्लू है अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसी हिसाब से आप काम करो, कोई टेंशन नहीं है, 360 हीट में कुछ भी नहीं होता इसका। और देखो मैं जितने भी वीडियो अपलोडेड कर चुका हूँ वो कैपेसिटर का फुल वीडियोस है, रजिस्टर का फुल वीडियोस है, नेटवर्क सेक्शन रिलेटेड उनका भी फुल वीडियो है, चार्जिंग रिलेटेड उनका भी फुल वीडियोस है, ठीक है। तो एक एक सेक्शन आप फॉलो करो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जो सिस्टम डिस्ट्रॉय का आता है उसका फुल वीडियो है, पोको X2 का टच वर्किंग का वीडियो है, रेडमी 10A का फुल वीडियो है, पोको X3 प्रो का फुल वीडियोस है। तो इस वीडियोस में थोड़ा देखो हैंड स्किल भी आपको पता चल जाएगा किस तरह करना पड़ता है, ऐसी किस तरह उठाना पड़ता है, ठीक है। एक बात नोटिस करो, इधर आसपास जो कॉम्प्रोमेंट वो मेड नहीं हो रहा, क्यों आपको इतना ही दिखाया, क्योंकि आपका इधर पेस्ट नहीं दिया मैंने, अभी जब पेस्ट दूंगा ना तब पता चलेगा आसपास कितना मेल्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है, आप एक एक सेक्शन का मैंने आईसी उठाना, आईसी क्लीन करना, रिवॉल्विंग का ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें भी थोड़ा बहुत आपका नॉलेज हो जाएगा। अभी क्या है, मैंने नेक्स्ट जो वीडियो मेरा बनने वाला है उसमें मैं क्या करूँगा, इनका जो फुल मतलब एक एक आईसी का जो रिवॉल्विंग होता है ना, चाहे वो नेटवर्क सेक्शन का हो, चाहे पावर आईसी हो, चाहे पीएमआई हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे एमएमसी हो, चाहे रैम हो, या तो सीपीयू का अपर पार्ट, उनका एक वीडियो मैंने बनाऊंगा सबके लिए। तो वो वीडियो भी देख के आप थोड़ा काम सीख पाओगे या तो काम कर पाओगे, ठीक है। मुझे क्या है भाई, आधा अधूरा वाला जो वीडियो होता है ना वो मुझे नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग्स और एक है, जो ब्लेड हम लोग घुसाते हैं ना वो ऐसे नहीं घुसाना है, ब्लेड को कैसे घुसाना है आपको सीधा ले जाना है अंदर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो आसपास थोड़ा मेल्ट होने लगा है, आप नोटिस करो ये जो देख रहे हो ना ये थोड़ा मेल्ट होने लगा है, तो मुझे क्या करना, थोड़ा अंदर को छेद कर देना, क्योंकि उनका अंदर जितनी भी गैस होता है ना वो गैस आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब प्री हीट मोड पे जितने भी काम करोगे उतना ही आपके लिए काम अच्छा होगा, जितना भी प्री हीट मोड पे काम करोगे ना उतना ही काम आपका बढ़िया होगा। और भाई ऑलवेज वेट करके काम करो, क्योंकि आप जितना वेट करोगे काम का ऊपर उतना ही आपका क्या होगा, नुकसान नहीं होगा और सही से काम हो जाएगा, ठीक है। आप सोचते हो अरे भाई इतना जल्दी उठाऊंगा नहीं तो मेरा आईसी खराब हो जाए, कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना है धीरे धीरे करना है, कुछ नहीं होगा आपको धीरे धीरे करना है। और आपका जो हैंड है ना ये रुकना नहीं चाहिए, हमेशा इसको याद रखो, देखो थोड़ा जल्दबाजी कर दिया फिर भी कोई बात नहीं, आप देख पाओगे एक भी मेरा क्या है, एक भी कुछ एनसी छोड़ के पिन आपका नहीं उठेगा मेरा इधर से, क्योंकि सैमसंग में बहुत सारे एनसी का पिन होता है, इसीलिए आपका क्या है एनसी का पिन ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। देखो जितने भी गया है ना ये सब क्या है आपका एनसी, एक क्या इधर रिमूव हो चुका, उसको बाद में बैठा देंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, देखो इधर एक भी बॉल आपका आ गया, तो हमेशा आप आई टेस्टिंग करो। आई टेस्टिंग में क्या करना है, क्या आई टेस्टिंग में आपका कोई भी बॉल जो है ये किसी जगह फंस गया तो उनको पहले निकाल के फेंक दो, ठीक है, नहीं तो बाद में ये बॉल क्या कर देगा आपस में मेल्ट हो जाएगा, क्लियर। तो जितने भी बॉल्स है पहले उनको साफ करके बाहर कर दो। मैंने सोचा था बंगाली में थोड़ा बहुत बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या है बंगाली में बनाऊंगा ना तो सिर्फ क्या चलेगा, ये बांग्लादेश में चलेगा, मेरा इंडिया में चलेगा, और मेरा इंडिया में सब स्टेट में नहीं, ओनली आसाम और वेस्ट बंगाल में ये लोग दिखेगा, और बाकी जितने भी स्टेट है ना वो टेस्ट का लोग आपको मेरा ये वीडियो नहीं देख पाएगा, या तो मेरा जो बातें है उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बंगाल तो चलता नहीं है पूरा इंडिया में, ठीक है, बट हिंदी में बनाने में थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो
अब देख सकते हो इधर जितने भी है एनसी है, थोड़ा बहुत एक ऐप जो चला गया ऊपर उसको सही करना है, ये भी उठ गया इनको भी सही करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पहले आप बराबर उठाओ, ठीक है, उनके बाद क्लीन करो, लेकिन मेरा रूल्स थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलवेज ही क्लीन में, अगर व्हाइट पेस्ट का आएगा कि व्हाइट पेस्ट का जितने भी बॉल होता है थोड़ा नाजुक होता है, उठ जाने का चांस रहता है, मैं कोशिश करता हूँ सैमसंग का ड्यूल डिकर में उनको ज़्यादा हीट नहीं देने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो रूल्स है, मैंने क्या बोला आपको, जितने भी काम करूँगा पूरा ग्लू के ऊपर काम करूँगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका पूरा हीटिंग के ऊपर काम करूँगा, ठीक है। तो ये मैं ग्लू का ऊपर काम इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे भाई हैं उन लोगों का थोड़ा हैंड स्किल कम है तो उनके लिए बहुत ये फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इधर मैंने अगर ये ग्लू डाल दिए ना, तो इसको 5 या 10 मिनट रखेंगे तो इसके अंदर जितने भी ग्लू है वो क्या होगा, वो खुल के क्लीन हो जाएगा, क्लियर। इसको हमेशा याद रखो। तो मेरा जो वीडियो है, वीडियोस है जो क्या है जिसका हैंड स्किल इतना भी बढ़िया नहीं है, उन लोगों के लिए ये सब वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि बहुत सारे है भाई जो काम करना चाहता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है दूसरा उसमें जाने का, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई ये एक ग्लू से कम से कम 15 सेट बना पाओगे, तो 20 रुपये इसमें देने से आपका तो कुछ आएगा नहीं कि, लेकिन कस्टमर से तो ले लोगे भाई बहुत बढ़िया रुपये। अगर होलसेल वालों का भी काम करोगे फिर भी तो कम से कम 500 ले लोगे आप, ठीक है। तो अभी क्या करना, मेरे अंदर जितने भी छोटा छोटा बॉल है ना तो अंदर घुस गया, इसको सब रिमूव कर दो, नहीं तो क्या होगा ये आपस में मेल्ट होके शॉर्ट कर देगा मोबाइल को, ठीक है। तो अभी देखो ये ऑलरेडी फूलना लगा है, ऑलरेडी ये फूलने लगा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, मैं साइड कर देता हूँ, साइड करने के बाद इनका ऊपर थोड़ा काम करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनका ऊपर भी ग्लू डाल दूंगा, मतलब मैंने पहली बार एक ही बात कहा था आपसे, आज जितने भी काम होगा वो पूरा ग्लू का ऊपर काम होगा, ठीक है। आज जितने भी काम होगा मेरा क्या ग्लू का ऊपर काम होगा, इसमें मैं ज्यादा कुछ हीट का नहीं यूज करूंगा, ओनली हीट कब होगा ये लास्ट में थोड़ा सफाई करने के लिए हीट होगा और आईसी बैठाने के टाइम पे हीट होगा, लेकिन ग्लू रिलेटेड कोई भी हीटिंग मैं इनके ऊपर नहीं करूंगा, क्लियर। ग्लू रिलेटेड कोई भी हीटिंग मैं इनके ऊपर नहीं करूंगा, तो मैं काम करता हूँ भाई 5 मिनट के लिए वीडियो जो है मेरा थोड़ा पूछ रहने दो, क्योंकि बेकार में बातें करने से और बोलने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ पहले इनको थोड़ा पूछ कर देता हूँ वीडियो को, पूछ करो जाएगा कुछ टाइम पर। देखो ये जितने भी ग्लू देख रहे हो ना आप, देखो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अगर ग्लू से क्लीन करूंगा तो मेरा हैंड स्किल का क्या होगा, इधर भी आपका ग्लू क्या होगा क्लीन हो गया, बस साफ करूंगा तो क्लीन हो जाएगा। तो पहले मेरे को क्या करना है, मुझे सीपीयू का जो नीचे वाला हिस्सा है उनको थोड़ा साफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये हीटिंग का है ना, ये मैंने बाबा टूल्स से लिया था, तब इनका 1800 प्राइस था, अभी तो बहुत गिर गया, ठीक है, बहुत गिर गया अभी। तो अभी क्या करेंगे, इसको ब्रश से साफ करेंगे और बाकी जितने भी रहेगा ना तो आयरन से भी हो जाएगा वो, ठीक है। भाई एक बात समझ के रखो, मुझे क्या करना है, मुझे जो काम करना है वो कस्टमर को सही से देना है, मोबाइल बना के देना है लॉन्ग टाइम चलने के लिए, ठीक है, तब ना वो कस्टमर आपका रहेगा। आप सोच रहे हो आप हैंड स्किल में इसको क्लीन कर दोगे, ठीक है, सही है आपका बात, लेकिन उसमें आपको क्या थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, लेकिन इनका ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। बट आप इस तरह जब काम करोगे इनका आपका कोई प्रेशर नहीं आएगा और काम भी आपका सक्सेस होगा 100%। अगर आप ड्यूल डेकर का 10 पीस बनाओगे ना, अब रिटर्न आने का चांस 1 पीस ही रहता है और बाकी नहीं रहेगा, ठीक है।
तो मैं ये ब्रश से क्लीन कर रहा हूँ। आपका सीपीयू में भी कोई हीट नहीं लगा है, लेकिन क्या है वो क्लीन हो गया। अभी वीडियो देख के बहुत सारे जो मुझे फॉलो करता है, मुझे पता है कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें वो लोग उनका स्टूडेंट का या दूसरे का बोलेगा भाई तन्मय के पास हैंड स्किल नहीं है, तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो मैं पिछले और एक वीडियो बनाऊंगा उसका पूरा हैंड स्किल के ऊपर करके दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए एक ही मेरा मकसद है, जो जिसका हैंड स्किल काम है, आप सेफली काम करना चाहते हो, ये ग्लू रिमूवर आप ले लो, ज़्यादा दाम भी नहीं है, लेकिन आप एक बर्तन में आप कितना काम करोगे, कम से कम 10 से 15, आप 15 छोड़ दो 10 पीस कर लो ना, 10 पीस करने से भी आपका कॉस्टिंग कितना आएगा, 20 रुपये कॉस्टिंग आएगा, ठीक है। मैंने 200 में लिया तो मेरा काम ज़्यादा होता है, तो मैं सेफली काम करता हूँ, तो मैं इसी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो और आप नोटिस करो, देखो ग्लू कहाँ है, ग्लू है इसके अंदर, देखो ग्लू लगभग क्या है खत्म, मैंने काट ही दिया, इधर ग्लू भी, इधर भी ग्लू मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। कैमरा में देख पा रहे हो आप लोग, इधर ग्लू क्या है आपका रिमूव हो गया, इधर भी आ जाओ, इधर थोड़ा है वो भी रिमूव कर देंगे अभी ब्रश से, ठीक है। ये कोने में थोड़ा है, चलो ये भी क्लीन हो गया। अब इधर भी देखो, एक भी ग्लू आपका क्या है नहीं है, ठीक है, एक भी ग्लू नहीं है। इस कोने में थोड़ा है, वो जब साफ करेंगे ना उसमें चला जाएगा, चलो बोले तो मेरा ब्रश से ही चला गया ये, ठीक है। आप नोटिस करो ग्लू आपका क्या खत्म, तो विदाउट हीटिंग में ये खत्म हो गया। तो भाई जो हीटिंग में खत्म हो जाता क्यों परेशान लेना है, तो अभी क्या करना है, अभी इनका जितने बड़ा बॉल है इसको रिमूव करना है, क्लीन करके रिमूव करेंगे। कैसे, आयरन में ज्यादा हीट नहीं देना है, 300 हीट देना है आयरन में, ठीक है। उनके बाद आप थोड़ा इसमें पेस्ट डाल सकते हो या रोजिन भी डाल सकते हो, या तो आप 138 PPD भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। और इसमें ज्यादा पेस्ट डालने से क्या होता है, मतलब आयरन का जो लॉच है इधर सूखेगा नहीं और आपका मेल्ट होने का चांस भी नहीं रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा गर्म, ये 300 हीट में कर रहा हूँ ना भाई, थोड़ा टाइम लगता है 300 हीट में, ठीक है। आपका जो काम का सामान है ना भाई, वो सबसे बेस्ट रखो, क्योंकि ये जो टूल्स है, टूल्स ही आपका क्या करता है, आपका जो वर्किंग है वो सेफ होता है, टूल्स में आपका वर्किंग क्या होता है, सेफली वर्किंग होता है, नीचे ना भी आना, ठीक है। आपका टूल्स में क्या होता है, सेफ वर्क होता है, सेफ वर्क मतलब क्या होता है, आपका ICB भी डैमेज नहीं होगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई मैं मेरा जो ब्लोअर है उसमें कर दूंगा, मेरा जो आयरन है उसमें कर दूंगा, भाई नहीं होता है, आप अच्छा आयरन यूज़ करो, क्योंकि जो कम नंबर आयरन होता है उनसे भी थोड़ा वोल्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो महंगा आयरन होता है ये बहुत बढ़िया होता है, मैं 300 हीट में कर रहा हूँ ना तो भी अच्छा है, लेकिन वो आयरन करोगे तो क्या होगा, स्क्रैचेस आ जाएगा उस आयरन पे, और इसमें आपका कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा। क्लीन हो गया, अभी थोड़ा वीक डाल देंगे धीरे से, थोड़ा वीक धीरे से डालेंगे भाई, कोई प्रेशर नहीं दो वीक, ठीक है। अगर आपका एक भी प्रेशर होगा तो क्या होगा, यह मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे मेल्ट नहीं करना है, मुझे क्या मेल्ट नहीं करना है, हल्का धीरे 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 इनको पूरा सीधा कर देना है, ठीक है। बस ज्यादा नहीं हो गया इनका काम, तो अभी क्या करना है, अभी थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब नोटिस करो, कोई विदाउट स्क्रैचेस, ठीक है,
कैचेस है मेरे इधर, बट दूध जो बॉल है वो थोड़ा क्या है आंखें बुझ गया, उनको सही करना है, ठीक है क्लीन। अब इसको रिवॉल्विंग करना है, बट पहले क्या करना है इसको मेरे को अलग करना है इन दोनों से। अलग करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको देखो थोड़ा मुंह खुला है कि नहीं खुला है, ठीक है। मतलब इसका जो मुंह है ना इनको देखेंगे, इसका कौन सा जगह आपका मेरा ज्यादा खुला है तो उसमें बढ़िया हो जाएगा ढूंढने में, पर मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक तो ले लेना पड़ेगा ही आपको, ये वाला ले लेता हूँ, लग रहा है इधर थोड़ा खुला है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले जो ब्लेड से मैंने उठाया था उनको इधर यूज करूँगा, ब्लेड को ऐसे रखो, ऐसे रख दिया मैंने क्लीन। ऐसे रखने के बाद क्या करूँ, ब्लूअर जो हिट में मैंने ऐसे उठाया था उनका साइड में थोड़ी सी डालो, घुमा के डालो, घुमाओ, ठीक है। देखो अपना क्या होगा, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। आपका सेफली ये क्या है अलग हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है इसको नोटिस करो, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मुझे जो करना है, ये अपर पार्ट है ना, इसको मेरे को रिमूव करना है, जितने भी वाल्स है इसके अंदर ग्लू है, ठीक है। ये ग्लू को मुझे क्या करना है, क्लीन करना है, और अंदर जितने भी बॉल है बॉल को बाहर कर देना, करके इनको फिर से रिवॉल्विंग करना है, क्लियर। इनको फिर से रिवॉल्विंग करना, इनका भी भाई टेस्ट पॉइंट है चेक करने का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा जितने वीडियोस है अगर आप पहले से लास्ट तक देखो ना, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, पहले से लास्ट तक देखो, ठीक है। और ये है मेरा रैम, इनको भी मुझे क्लीन करके रिवॉल्विंग करना है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोल ही दिया पिछले वीडियो में, मैंने नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो रिवॉल्विंग का ही बनाऊंगा, ठीक है। ये मुझे अभी क्या करना है, इनको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मेरा जो प्रोसेस है, बोट को थोड़ा साफ कर लो, इनको थोड़ा करीब लेते हैं, देखो ये मेरा फिक्स हो गया, बट इसको याद रखो हमेशा भाई फिक्स करने के टाइम पे, ठीक है। फिक्स करने के टाइम पे आपको हमेशा याद रखना है, प्रेशर नहीं देना, नहीं तो क्या होगा सीपीयू आपका टूट जाएगा, क्लीन। नहीं तो क्या आपका सीपीयू टूट जाएगा। तो अभी मेरा जो काम है इनका रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, पहले ये जितने भी बॉल्स है ना, बड़ा बॉल जितने भी है, पहले मैं कोशिश करूंगा इनका जितने भी ब्लू, देखो ये ब्लू देख पा रहे हो आप, ये ब्लू को रिमूव करना है, और आपका जितने भी बड़ा बॉल है रिमूव करना है। लेकिन मैंने आपको शुरू से पहले बोल दिया, मैंने ज्यादा हीटिंग यूज नहीं करूंगा इसमें, जितने भी यूज करूंगा आपको ग्लू यूज होगा आज, जो रिमूविंग ग्लू है ना ये लिक्विड है, वो लिक्विड यूज होगा आज, ठीक है। जितने भी है वो क्या होगा, लिक्विड यूज होगा। तो लिक्विड यूज करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, मेरा जितने भी बॉल्स है ना ये बॉल्स को बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए अभी मैं जो मेथड यूज करूंगा, पहले इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं पेस्ट, उनके बाद मेरे पास जो पीपीडी है 138 वाला पीपीडी है, ठीक है। तो 138 वाला पीपीडी इसमें आप यूज करूंगे, ठीक है। 138 वाला पीपीडी मैं यूज करूंगा, ये यूज करने से क्या होता है, देखो हम लोग का कावत है काटा से काटा बाहर करना है, ठीक है। तो ये भी उसी सिस्टम है, तो इसमें भी जो हीटिंग रखेंगे वो भी सेम, क्या रखेंगे आयरन का 300 हीट रहेगा। अभी इसको रिमूव करना है, देखो ये बॉल, इसके ऊपर एक बॉल बनाओ, ये बॉल से इनका जितने भी है रिमूव कर लोगे, इनका जो बॉल है वो बॉल से इसको रिमूव करो,
जो आपका जो गड्ढा है ना, ये गड्ढा आपका टूटना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखो मेरा गड्ढा टूटेगा नहीं। बहुत सारे आप ये काम कर सकते हो भाई, जो आपका वायर वाला होता है ना, वो वायर से भी आप कर सकते हो। ये वायर का मतलब कौन सा वायर है ना, मैं तो मेरे पास जो यूज हो रहा है ये लिक्विड वायर का, जो वायर का जो होता है ना, वो वायर में भी आप यूज कर सकते हो। ये मेरे को क्या करना है, जो अंदर जितने भी बॉल्स है ना, ये बॉल्स को बाहर कर करना। पहले मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, थोड़ा लिक्विड दूंगा, लिक्विड दूध देने के बाद और एक बार साफ करके और एक बार लिक्विड दूंगा, ठीक है। चलो मेरा थोड़ी सी साफ हो गया, इसमें मेरा बहुत कुछ है। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं लिक्विड डालेंगे, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, लिक्विड डाल दूंगा ताकि जितने भी अंदर ग्लू है वो थोड़ा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद फिर मैं साफ करके और एक बार इनका जितने बड़ा बड़ा बॉल है ना उनको उठा दूंगा। बहुत सारे अगर आपके पास ड्यूको थिनर है उसमें भी आप ये डाल सकते हो, ड्यूको थिनर में डाल के थोड़ा देर रख दो, फिर भी आपका चला जाएगा। जो ड्यूको थिनर होता है उसमें भी हो जाता है, ठीक है। आप देखने लगो कैसे, देखो कैसे उठ रहा है। अगर इसमें मैं हीटिंग का काम करूंगा तो क्या होगा, तो मुझे क्या है सीपीयू पे हीट ज्यादा नहीं करना है। अब देखो ग्लू कैसे जा रहा है। तो भाई थोड़ा वेट कर लेता हूँ इनके भी लिए। देखो आपका ग्लू कैसे जा रहा है, अभी थोड़ा इसको वेट कर लेते हैं क्योंकि 5 मिनट रखना पड़ता है, ठीक है। मैं वीडियो को पुश कर देता हूँ। देखो इसके अंदर कितना ग्लू है। अगर आप हीट से काम करोगे तो क्या होगा भाई, आईसी में भी थोड़ा प्रेशर रहता है, बट आप ग्लू रिमूवर यूज करोगे तो क्या होगा, बिना प्रेशर का देखो सब बुझ जा रहा है। बिना प्रेशर का आप नोटिस करो, आपका एक गड्ढा भी नहीं टूटने का चांस नहीं रहे है। तो भाई मुझे क्या करना है, सेफ वर्क करना है, सेफली वर्क करना है। तो मेरा एक थिनर ये लिक्विड है, लिक्विड का 200 प्राइस है, तो इसमें एक से एक लिक्विड में कम से कम 10 से 15 सेट बनता है, तो मेरा कितना जाएगा, 20 रुपए जाएगा। तो 20 का काम देखो कितना अच्छा काम होता है। अभी थोड़ा वीडियो को पुश कर लेते हैं हम लोग, मैं आपको दिखाने के लिए इसको किया। तो देखो भाई कितना शानदार से उठ रहा है। मैं बैठ के अभी थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ, ठीक है। ब्रेकिंग टाइम है, मेरा सिगरेट पी लेता हूँ अभी। दूसरी बात ये देख के बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं वो बोलेगा साला चूतिया क्या कर रहे हैं, उनके हैंड स्किल नहीं है। भाई मेरे को सबको गाइडनेस करना, गाइड करना है, गाइडनेस नहीं, सबको गाइड करना है। मतलब जो लोग हैंड स्किल इतना नहीं है बट वो लोग अगर ऐसे करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जो अंदर क्या बोलते हिम्मत है वो बढ़ जाएगा। तब जाके आप क्या करोगे, तब जाके मीटिंग का काम करो, जल्दी में हो जाएगा। अभी जितने लोग ड्रिल लेकर कर रहे हैं ना उनको फट रहा है भाई, क्योंकि आपसे पैसा लेता है एक ड्रिल लेकर का, बट ये वीडियो देख के उनको फट जाएगा, ठीक है। और क्या, मेरा खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगेगा। देखो एक एक चीज का, देखो मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, पूरा इंडिया को टेक्नीशियन को आगे करना है। मतलब इंडिया आगे बढ़ेगा अगर उसमें थोड़ा मेरा हेल्प होगा, वही मेरे लिए बहुत है ना भाई, क्योंकि पैसा लेके तो मैं भी नहीं जाऊंगा, कोई भी नहीं जाएगा पैसा साथ में लेकर, लेकिन मेरा जो काम है वो तो रह जाएगा। कभी भी बोलेगा वो तन्मय भाई का वीडियो देखा था, देख के मैंने सक्सेस किया। देखो मैंने कितना सारे हैंड स्किल जितने भी है जो टॉप होता है सबका
वीडियो बना के छोड़ दिया भाई, ये कुछ भी नहीं है। और मेरा क्या है, एक रूल्स है, मेरा कोई वीडियो कटिंग नहीं होता है, मेरा कोई वीडियो क्या कटिंग नहीं है। देखो आपका, देखो तो ये लोग जो लोग क्या जल्दी में काम करते, वो क्या करेगा, हीटिंग में ये सब करेगा, लेकिन मैं क्या कुछ भी नहीं कर रहा था हीटिंग में। अभी अभी इसमें ब्रश मारेंगे ना, पूरा चला जाएगा। कितना सारे ग्लूस था, देखो निकल गया ना पूरा ग्लूस। आपको मतलब खाली आंखों में पता नहीं चलेगा इतना ग्लू था इसका ऊपर, ठीक है। जब मैं ग्लू रिमूवर दे दिया तब सबको पता चल गया ना कितना ग्लू है इसके अंदर। স্যার স্টেনসিল না কি ছিল পুজো পাইনি ওটা। अभी थोड़ा अंदर ग्लू है तो उसको भी रिमूव करेंगे और एक बार, ठीक है। पहले इसको मैंने जितने दिया उसको क्लीन करने दो। ये वीडियो सीट बन रहा है जो टेक्नीशियन बहुत सेट सारे सेट आते हैं, हीट मार के छोड़ देता है या कुछ खराबी कर देता है, उनके लिए देखो बहुत इजी है ये। मुझे तो लगता है अगर हैंड्स की करना है तो आईफोन 6 का बोर्ड यूज करो, 8 सीपीयू है उनका ऊपर कर दो बस। उसका आईक्लाउड वाला बोर्ड जो है वो भी बहुत कम प्राइस है, तो उनका बोर्ड लेके प्रैक्टिस करो तो और भी इजी होगा। जो ब्लैक ब्लू होता है ठीक है उसमें काम करो। उनके बाद पावर आईसी उनको भी बनाना पड़ता है, ठीक है, उनको भी पावर आईसी बनाना पड़ता है काम करने से। मतलब अगर उनका सीपीयू का काम करोगे 100% पावर आईसी भी उनका भी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक बोर्ड खरीद के 5 बोर्ड ले लो आईफोन का, उनका ऊपर ही प्रैक्टिस करो, 8 सीपीयू बनाओ, ठीक है। देखो और भी आपका हैंड स्किल क्लियर हो जाएगा। अभी इनका ऊपर है इससे तो ग्लू चला गया, और भी ग्लू है इसके अंदर, देखो अभी भी देख पा रहे हो ना ग्लू है। तो और एक बार लिक्विड डालेंगे, लेकिन लिक्विड डालने से पहले एक बार क्या करेंगे, अंदर जो बॉल है उनको घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, सेम सिस्टम रहेगा, उनका भी मेरा सेम सिस्टम है। थोड़ी सी टुकड़ी ले लो ऊपर, क्या है पेस्ट डाल दो, डाल दिया। आयरन को 300 हीट रखो, ज्यादा हीट नहीं रखना, ठीक है। उनके बाद ये जो बॉल बनेगा ये अंदर ही जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये अंदर ये बॉल जो है ये अंदर जाएगा, अंदर जाके इसका जो माल है ना वो पूरा बाहर आ जाएगा या तो पट्टी कर देगा। भाई कोई कुछ बोलेगा उसमें फर्क, उसमें ध्यान मत दो। अब अपना काम सही से करो तो दुनिया आपके लिए है, आप भी सीखोगे, आप पैसा कमाओगे, ठीक है। कोई आपको बोलेगा वो थोड़ी उसका कमाने पैसा आपको देगा, तो इतना ही देगा ना। मैं क्या है वो वीडियो को एडिट करना मुझे नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। जो है मुझे लाइव होता है थोड़ा पूछ होता है वीडियो, ठीक है। देखो अभी क्या हो गया, इनका जितने भी है
अगर अभी मैं बॉल बनाऊंगा ना बॉल भी बन जाएगा, ठीक है, अभी मैं इनका बॉल बनाऊंगा तब भी बॉल बन जाएगा। फिर भी मुझे क्या करना है और एक बार इनके अंदर देना है उल्टी, थोड़ा बहुत ग्लू है ना वो भी चला जाएगा, जो भी है वो भी चला जाएगा, नहीं आएगा। अब देख पा रहे हो ना ग्लू को, देखो इधर थोड़ा ग्लू है इनका ऊपर, ठीक है। अगर हीटिंग कर देंगे फिर भी चला जाता है, ठीक है। मैंने तो बोला आज हीटिंग में काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मैं हीटिंग में आज काम नहीं करूंगा, ओनली ग्लू का ऊपर काम होगा। मैंने वीडियो से पहले ही बोल दिया मेरा आज हीटिंग में कोई काम नहीं होगा, ओनली आपका ग्लू रिलेटेड काम होगा। तो आज जो भी करना है ग्लू के ऊपर ही करना है। चाहे कमिटमेंट में कोई भी कुछ बोले इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में मुझे ये मोबाइल बना के ही कस्टमर से पैसा लेना है। पैसा देगा कौन? कस्टमर, ठीक है। मेरा 20 रुपये इन्वेस्ट करने में मेरा कोई आता जाता नहीं, और थोड़ा टाइम लगेगा लगने तो, ठीक है, क्योंकि ये सेट और दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। ये जो सेट है ये दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। अभी इसका जितने भी ग्लूज है ना वो पूरा चला जाएगा, जितने भी ग्लूज है और नहीं रहेगा ये 100%, आपका पूरा ग्लू चला जाएगा। अभी थोड़ा टाइम दे दो, 2 मिनट का। देखो मैंने जब दोबारा इनको लगाया फिर ग्लू दिया, देखो कितने अंदर से ग्लू आ गया ना बाहर, आप नोटिस करो ऊपर देखो कितना ग्लू बाहर आ गया। भाई कोई बात, देखो कितना ग्लू है अंदर, ये सब क्या है, ये अंदर का ग्लू है। इनको अभी क्या करना है, क्लीन करना है इनको, क्लीन तो भाई किससे करेंगे, ब्रश से करेंगे, क्लीन मेरा किससे होगा, ब्रश से क्लीन होगा। কত মিনিটের ভিডিও হলো এটা ভাই? মোটামুটি 1.5 ঘন্টা। আপ দেখো ইসকে আন্দার গ্লু হ্যায় কি নাহি, ক্লিন করকে দেখ লো। চলো মেরা হিসাব সে গ্লু খতম হো গিয়া, एक जगह था उनको मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी इनको रख देते हैं, अभी क्या करना है ये बोर्ड को क्लीन करना है। भाई इतना लंबी वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं है, उसमें मेरा क्या आएगा क्या नहीं जाएगा उसमें मुझे क्या कोई लेना देना नहीं है। अभी इनको क्लीन करो, देखो साले ग्लू कितना आ गया बाहर, देखो अभी ब्रश मारने से ग्लू कहाँ चला जाएगा।
देखो जितने बोलते हैं ना सब एनसी है, ठीक है। अभी नोटिस करो, एक भी गुरु नहीं है अभी आपका ऊपर, बोर्ड का ऊपर क्या है, गुरु है। पहले ये देखो, लगभग क्या है, ग्लू मेरा खत्म ही हो गया। अभी क्या करना है, इनको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए जो मेरा प्रोसेस है वही यूज करूंगा। पहले इनका जितना बॉल्स है वो बाहर कर देंगे। मुझे याद रखना है ये कंपोनेंट है, इनको सही करना है, ये कंपोनेंट सही करना है, ठीक है। आईसी बैठने से पहले और आसपास जितने बॉल्स है वो सही से लगा देना है। देखो ये सब एनसी है, बाकी मेरा ग्लू इसके अंदर नहीं है, ठीक है। बाकी ग्लू मेरा नहीं है, क्लियर। अभी थोड़ा साफ कर लेंगे, बस कम करते हैं। और ये जो एक कंप्रोमेंट है वो भाग गया, उनको भी सही करना है। ये जो कंप्रोमेंट देख रहे हो ना, ये थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसको
घूम ही गए नाकि ना काम तो गए नाकि एक तो बकले तो कदिन छिले के हां बकले के क्या छ कदिन छिले के दो दिन बड़ा बोलो कि कैम रिवॉल्व भी हो गया और मेरा ये सीपीयू का जो रिवॉल्विंग था ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये उल्टा साइड जो रिवॉल्विंग करना पड़ता है उसको देख लेते हैं, वो भी क्लियर है। ठीक है, पूरा बन गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इनको इनको बैठाना है। ठीक है, तो बिछाने का वीडियो तो पहले भी मैं बना दिया और आगे नहीं बढ़ाऊंगा वीडियो को, अभी बिठाने के बाद मैं दिखा दूँ। ठीक है, ऐसी जगह ऐसी नीचे नहीं है। ठीक है, आईसी का जगह है ना, जो आईसी का जगह वो खुद ले लेगा भाई। जो आईसी का जगह क्या किया, खुद ले लिया। मुझे जस्ट वेट करना है, ये कितना फंसेगा ये, और क्या करना है, बीच से जो मेरा पूछ होगा वो सैक बोलते बीच से होगा। ठीक है, जो मिडिल से দেখো রেমন নড়ি তো নিজের জায়গা নিজে নিয়ে নিয়েছে। ঠিক আছে,
এই যে শ্রীকান্ত পাতে হবে মিডিল দিয়ে কি করবো ফুসফুস করে একটা হাওয়া দিয়ে দিন যাতে আমার ঠান্ডা হয়। বিরো পুষ্কর ঠিক আছে মোবাইল মেরা চালু ক্লিয়ার ভিডিও বন্ধ।